नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु पांडे। 3 दशक में पहली बार चीन ने भारत से चावल खरीदा है। इसकी वजह वैश्विक स्तर पर चावल की सप्लाई में कमी और भारत की तरफ से काफी कम दामों पर चावल निर्यात करने का ऑफर बताया जा रहा है। भारत और चीन के बीच ये निर्यात ऐसे समय में शुरू हुआ है जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद की वजह से राजनीतिक संबंध काफी तनावपूर्ण है। राइस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर बीवी कृष्ण राव ने बताया कि ऐसे समय में चीन ने पहली बार भारत से चावल खरीदा है। भारतीय फसल की गुणवत्ता को देखने के बाद वो इसकी मात्रा अगले साल बढ़ाएंगे। गौरतलब है कि भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, जबकि चीन दुनिया में सबसे ज्यादा चावल आयात करने वाला देश है। चीन ने सालाना 40 लाख टन का चावल का आयात किया जाता है, लेकिन अभी तक वह गुणवत्ता का बहाना बनाकर भारत से चावल खरीदने से बचता रहा है। चावल उद्योग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारतीय ट्रेडर्स को दिसंबर से फरवरी के शिपमेंट में $300 प्रति टन के हिसाब से 1 लाख टन चावल का निर्यात करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।